हेलो दोस्तों आज हमें दुनिया का सबसे जहरीला सांप मिला है उससे रूबरू करवाने वाले बरसात में देखा जाता है दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे तभी फुल जानकारी आपको मिलेगा तो लोगों का कहना है की आपके स्किन को या चमड़े को टच कर दे तो आपको जहर चढ़ने लगता है दोस्तों ये छोटा सा प्यारा सा और काला सा दिखने वाला सांप इतना जहरीला होता है हमें मालूम नहीं है कुछ लोगों का बताना है कि ये बहुत ही जहरीला होता है और कुछ लोग इसे मार देते हैं और इसका मुंडी कूच के जला भी देते हैं तो ऐसा घिनौना काम मत करिए दोस्तों आज इसी के बारे में हम आपको फुल जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए तभी इसके बारे में आप जानकारी ले पाएंगे दोस्तों ये सांप दुनिया का सबसे छोटा सांप है और दुनिया का सबसे अलग प्रजाति का सांप दिखने वाला है और इसे हिंदी में तेलिया सांप कहते हैं और इंग्लिश में और में स्नैक कहते हैं दोस्तों ये सांप गीली मिट्टी में रहता है नमी जगहों पर रहता है ज्यादातर और इस सांप को इस मिट्टी में से निकाल के आपको दिखाते हैं और इस सांप का छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भोजन रहता है और ये देख लीजिए यही सांप है दोस्तों कुछ लोग इसे सांप का बच्चा भी बोलते हैं लेकिन ये सांप का बच्चा है नहीं ये इतने ही बड़ा रहता है इसे ही असली तेलिया सांप बोला जाता है दोस्तों इस समय दुनिया अंधविश्वास पे जी रही है और ये वीडियो मैं अंधविश्वास को खत्म करने के लिए बनाया हूँ तो वीडियो पे लास्ट तक देखते रहिए तभी आपको फुल जानकारी मिलेगा और अंधविश्वास से दूर हटेंगे दोस्तों आप लोग और दोस्तों ये सांप अंडे देते हैं चावल के दाने के जैसा छः सात अंडे देते हैं दोस्तों इस सांप के पास सुपर पावर होता है और दुनिया में किसी सांप के पास ऐसा सुपर पावर नहीं होता है दोस्तों यह दुनिया का एक ही सांप है जो बिना मीटिंग किए ही अंडा देता है दोस्तों यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए हमारे स्क्रीन को एक कैसे छू रहा है मैं कैसे टच कर रहा हूँ और कैसे पकड़ रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं इसके छूने से कोई जहर नहीं फैलता है देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉन वेनिमस ये होता है देखिए कैसे हमारे स्किन को छू रहा है टच कर रहा है इसका मुंह भी छोटा होता है दोस्तों एक काट भी नहीं पाता है बहुत ही शर्मीला और अच्छा मिजाज का ये सांप होता है दोस्तों एक केचुआ की तरह दिखने वाला सांप इतना ही बड़ा होता है इससे बड़ा नहीं होता है और ये बरसात वगैरह में ज़्यादातर हमारे घरों में आ जाता है तो लोग इसे बहुत ही जहरीला मानते हुए इसे मार देते हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें दोस्तों ये बिल्कुल नॉन वेनिमस होता है बिल्कुल जहर वाला नहीं होता है ये आप हमारे हाथ में देख सकते हैं हम कैसे इसे पकड़ रहे हैं दोस्तों ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है आप इसे अब से मारिएगा मत दोस्तों दोस्तों आप लोग जीव जंतु के प्रति प्रेम रखिए ईश्वर ने आप ही के लिए जीव जंतु बनाया है पर्यावरण बचाने के लिए तो दोस्तों अब से आप लोग किसी भी अनबोलता जीव जंतु को मारे ना उससे प्रेम कीजिए और अपने नज़दीकी सर्प मित्र को कॉल करिए और उन्हें बुलाकर अच्छे ढंग से उसका रेस्क्यू करवा के उसे अनुकूलित वातावरण में रिलीज करवाइए दोस्तों दोस्तों जो अनबोलता जीव जंतुओं के बारे में अंधविश्वास फैला हुआ है पहले से उस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं और रोज एक वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे जैसे लोगों का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अंधविश्वास से लोग हटें दोस्तों आप लोगों का ही सहारा और सपोर्ट हम लोगों को चाहिए हम लोग पर्यावरण बचाने के लिए सांपों को और जीव जंतुओं को वातावरण में रिलीज करते हैं कि वातावरण बना रहे दोस्तों तो आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक को प्रेस कीजिए आल पर टच कर दीजिए तभी हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा दोस्तों दोस्तों अगर हमारा वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसे रिलीज करते हैं अपने अनुकूलित वातावरण में देखिए चला गया तो फिर मिलते हैं किसी न किसी जीव जंतुओं को बचाते हुए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों जल्द ही किसी न किसी वीडियो में थैंक यू दोस्तों Bye-bye.